देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी जारी है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। गुरुवार को देश में कोरोना के 1.34 लाख मामले सामने आए हैं, जबकि 2,887 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के साथ साथ देश में ब्लैक फंगस की बीमारी भी तेजी से फैल रही है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। हालांकि कुछ राज्यों में कोविड-19 के दैनिक मामलों में राहत है, जिसे देखते हुए उन राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों को वैक्सीन लगवाने का दावा कर दिया है। इधर सीरम इंस्टीट्यूट ने स्पुतनिक वी को बनाने के लिए DCGI से अनुमति मांगी है। महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 15,229 नए मामले सामने आए हैं और 307 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 57,91,413 और मृतकों की संख्या बढ़कर 97,394 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दिन में अस्पतालों से 25,617 मरीजों को छुट्टी मिली है और कुल संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 54,86,206 हो गई है। राज्य में अब तक 2,04,973 मरीजों का उपचार चल रहा है। यहां स्वास्थ्य दर 94.73% और मृत्यु दर 1.66% है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई तमाम खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।